हेलो, मैं गौरव आपका वेलकम करता हूँ इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बना सकते हैं वर्डप्रेस में। साथ ही साथ हम देखेंगे कि कैसे आप इसमें ब्लॉग लिखेंगे, कैसे इसका सेटअप करेंगे और साथ साथ कैसे इसका SEO और कस्टमाइजेशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने के लिए हमें सबसे पहले डोमेन और होस्टिंग की ज़रूरत होती है दोस्तों। तो इसको आप डोमेन जैसे वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये एक बहुत ही रिलायबल और फास्ट स्पीड वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर है, जो काफ़ी लंबे समय से इंडिया में अपनी सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप इन्हें चेक कर सकते हैं, क्योंकि इनके प्लान्स बहुत ही अफोर्डेबल है और सर्विस भी बहुत ही अच्छी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनके डोमेन भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे कि आप .com, .in, .xyz, .org डोमेन भी यहाँ से बाई कर सकते हैं, और शेयर्ड और रीसेलर और VPS के भी आप इसमें प्लान चेक कर सकते हैं। ये भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको अवेलेबल हो जाते हैं। शेयर प्लान भी आपको मतलब 59 रुपीज़ पर मंथ में स्टार्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ आपको इसमें SSD स्टोरेज भी मिलता है, जो आपकी वेबसाइट को अच्छी स्पीड बूस्ट करता है। तो शेयर स्टोरेज में अपन देख सकते हैं कि इसमें जैसे 59 रुपीज़ पर मंथ में आपको होस्टिंग सर्विस अवेलेबल हो जाती है, जो कि सबसे चीप वेब होस्टिंग है अगर देखा जाए तो। पर इनकी जो सर्विस है वो बहुत ही फास्ट है, और 4 प्लान जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं इस डोमेन रेसर के शेड के अंदर। और सबसे बड़ी बात ये कि अनलिमिटेड SSD से फ्री SSL सर्टिफिकेट है, सी पैनल है, प्लस SEO टूल है, और क्लाउड जो सर्विस है वो भी आपको इसमें अंदर मिलती है। तो इस तरह के आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप स्टार्टिंग फेज़ में और आप एक बहुत ही अच्छे लेवल की वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल रेट में, या अपने क्लाइंट के लिए भी बना रहे हैं, तो आप इनके प्लान को चेक कर सकते हैं। बेसिक, पर्सनल, सिल्वर और एडवांस, जैसा कि आप 4 प्लान इसमें दिखाई दे रहे हैं आपको। तो इसमें जैसे अगर बेसिक प्लान के साथ जाएंगे तो आपको जो 5 GB बैंडविड्थ मिलेगी, 1 आप वेबसाइट इसको होस्ट कर सकते हैं, और SSD पे मिलता है आपको 1 GB। पर्सनल में जैसा कि आप देख सकते हैं 99 रुपीज़ पर मंथ में इनके प्लान स्टार्ट है, और इसमें आप सिंगल वेबसाइट के साथ आपको अनलिमिटेड SSD और अनलिमिटेड जो बैंडविड्थ है वो आपको प्रोवाइड होती है। और साथ साथ ईमेल अकाउंट भी आप बना सकते हैं, प्रोफेशनल ईमेल अकाउंट भी आप इसमें फ्री में क्रिएट कर सकते हैं। सिल्वर में जैसे आप देख सकते हैं कि 169 पर मंथ में इसके प्लान अवेलेबल हो जाते हैं, जहाँ आप 3 वेबसाइट लॉन्च कर सकते हैं एक ही होस्टिंग के अंदर। आपको डोमेन अलग से बाय करना होगा, बट जो ये सर्विस है ये आपको जो 3 वेबसाइट आप एक साथ होस्ट कर सकते हैं। एडवांस में आपको एक डोमेन भी फ्री मिलता है, और अनलिमिटेड SSD और अनलिमिटेड जो सर्वर आपको स्पीड मिलती है, SSD स्टोरेज मिलती है इसके अंदर। तो जैसा कि मैं आपको इसका जो ये प्लान है वो बता देता हूँ, 3rd प्लान। तो जैसा कि आप इसमें डोमेन अगर आप चाहे तो इसमें यहाँ से खुद से रजिस्टर कर सकते हैं, या आप जैसे GoDaddy या कोई और वेबसाइट से आप इसमें डोमेन परचेज करके अटैच भी कर सकते हैं। तो मैं आपको एक डेमो के लिए बता देता हूँ, कोई भी आप डोमेन का अपना नाम लिख दीजिएगा, और या .com या .xyz आप लिख दीजिएगा जो आपके डोमेन का एक्सटेंशन है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1 ईयर के लिए हमें 2271 रुपीज़ हमको पे करना होगा। चेकआउट पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपन को नॉर्मल जो डिटेल होती है वो फिल करके हमको सीधा पेमेंट मोड सिलेक्ट करना होता है और पेमेंट करना होता है, जो कि बहुत ही आसान है। आसानी से हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, उस तरह इसमें पेमेंट कर सकते हैं। तो मेरा जैसे पहले से ही परचेस किया हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ क्लाइंट एरिया में जाकर। तो जैसे मैं एक्टिव पे क्लिक करूँगा, ये सर्विस पे कुछ इस तरह का इनका पैनल है, अंदर का पैनल, जैसे कि आप देख सकते हैं। SEO टूल भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं दोस्तों, जो आपकी वेबसाइट को SEO करने में काम में आता है। और जैसे नेम सर्वर भी आप देख सकते हैं अपने जो डोमेन में, वो नेम सर्वर अपडेट करके आप सीधा ही कनेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे अपने सी पैनल में मैं लॉगिन हो जाऊंगा, अपने कंट्रोल पैनल कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जो कि बहुत ही अच्छा है, एडवांस है और काफ़ी लाइट है, आसानी से आप इसे समझ सकते हैं। और इनमें आप जैसे बहुत सारे जैसे फंक्शन आप देख सकते हैं, उनको आप आसानी से यूज़ में ले सकते हैं। जैसे आप नीचे जाएंगे स्क्रिप्ट में, हम वर्डप्रेस सिलेक्ट करेंगे और वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे अपनी जो डोमेन के अंदर। अभी हम इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे, और जो अपना डोमेन होगा वो सिलेक्ट कर लेंगे, और जो नॉर्मल यूज़र नेम और पासवर्ड होगा वो आपको एंटर करना होगा नया, और हम अपना एक जो वर्डप्रेस अकाउंट है वो क्रिएट कर लेंगे। बहुत ही आसान है, इजी टू यूज़ स्टेप है, और आसानी से आप अपनी बहुत ही अच्छी वर्डप्रेस वेबसाइट बना सकते हैं इस होस्टिंग की सहायता से। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप एक बार इसे जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि मैं इसे बहुत ही टाइम से इसे यूज़ में ले रहा हूँ, और मुझको बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप देख सकते हैं, अब इंस्टॉल पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ टाइम लगेगा इंस्टॉल होने में, तो जैसा कि इंस्टॉल हो गया है,
तो जैसा कि हम अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लॉगिन हो गए हैं, तो कुछ इस तरह का हमारा वर्डप्रेस आप डैशबोर्ड देख सकते हैं शो हो रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे ऐड न्यू सेक्शन पे जाके, और यहाँ क्लासिक एडिटर जो प्लगइन है सबसे पहले वो हम कर लेंगे इंस्टॉल। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लगइन है दोस्तों, इसको आपको इंस्टॉल करना, और इसको एक्टिवेट कर लेंगे। और यहाँ एक नया प्लगइन में इंस्टॉल करेंगे योस्ट SEO, जो कि SEO के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, तो इसको भी हम इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेंगे। नाउ थीम सेक्शन में जाएंगे और यहाँ हम ऐड न्यू थीम पे क्लिक करेंगे, और यहाँ सर्च करेंगे जनरेट प्रेस, तो हमारे सामने ये फर्स्ट थीम आ गई है। सिंपल है दोस्तों, ब्लॉगिंग के लिए बहुत ही अच्छी थीम है, तो इसको आप रिकमेंड मैं करता हूँ यूज़ में ले सकते हैं। तो इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेंगे। कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के ब्लॉग पोस्ट हमको दिखाई दे रहे हैं जो पहले से लिखे हुए हैं। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखना है। तो यह पोस्ट सेक्शन में जाएंगे हम डैशबोर्ड में, ये कुछ पोस्ट है पहले से, इनको हम हटा देंगे और हम नई पोस्ट में आपको लिख के बता दूंगा कैसे आपको करना है। तो ये मैंने कुछ नई पोस्ट लिख दी है दोस्तों, तो डेमो के लिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने 5 ही पोस्ट लिखी है, तो एक आपको बताता हूँ कि किस तरह मैंने लिखी है। इसका मैंने प्रॉपर SEO भी किया है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर टाइटल है, बीच में जो डिस्क्रिप्शन है, जो पूरी हमारी इन्फॉर्मेशन है कि हमने क्या क्या कंटेंट लिखा है वो साइड, और हमने इमेजेस भी दी है, और H1 H2 हेडिंग भी दी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो मेन टारगेटेड कीवर्ड ये है, जो हमारे डिस्क्रिप्शन में भी है और टाइटल में भी है, कंटेंट में भी है, और नीचे जो SEO आप स्कोर देख सकते हैं वो 100% है। और SEO कैसे करना है इससे रिलेटेड अगर आपको वीडियो नहीं पता है, तो हमारे YouTube चैनल पर दिया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। या टैग और कैटेगरी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई नया टैग डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। फीचर इमेज होती है दोस्तों, मेन इमेज जो आपकी ब्लॉग पोस्ट पे शो होती है, तो वो भी आप डाल सकते हैं। और जैसे अल्ट टेक्स्ट होता है, तो वो भी आप डाल सकते हैं इमेज को सिलेक्ट करके, उसको अपडेट पर हम क्लिक कर देंगे। तो 4-5 बातों का ध्यान में रखना होता है SEO करने के लिए। जैसे ओपन लिंक पे क्लिक करेंगे, तो कुछ इस तरह का पोस्ट है, ये भी हमने कहीं से कॉपी किया है, पर मैं आपको एज एन इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ। तो कुछ इस तरह का है ये। अब कलर मेक पे क्लिक करेंगे हम, सॉरी हमने होम पेज पे क्लिक करेंगे, और यहाँ देख सकते हैं कि ये 4-5 हमने पोस्ट लिखी है, कुछ इस तरह शो हो रही है। अब कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे हम, यहाँ से आप जो थीम के जो लोगो है, प्राइमरी मेन्यू है, और भी बहुत सारी चीज़ें, वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। जैसे हमने यार पेन के निशान पर क्लिक किया, तो हमारे सामने लोगो का ऑप्शन आ गया, यहाँ से आप अपने हिसाब से कोई लोगो डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। प्राइमरी मेन्यू, अगर आप कोई मेन्यू चेंज करना चाहते हैं, शॉर्टकट मेन्यू होते हैं जो रीडायरेक्ट करते हैं आपको कोई अन्य पेज पे या अन्य कोई आपको पोस्ट पे, तो वो भी आप यहाँ डाल सकते हैं। अब फुटर के अंदर आप जैसे हम जाएंगे यहाँ पे, तो वो फुटर की सेटिंग भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फुटर विजेट 1, यहाँ हम विजेट ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेन्यू ही ऐड करेंगे, तो यहाँ आप अपने हिसाब से मेन्यू सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा मेन्यू दिखाना है। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप समझ जाए, या और कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, या मेन्यू के नीचे कोई हेडिंग आप डालना चाहते हैं या कुछ टेक्स्ट डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। जैसे मैंने लिखा HELL हेडिंग सेक्शन के अंदर, तो हेडिंग आप देख सकते, दिखाई दे रहा है। तो ये SEO के हिसाब से बहुत ही ज़रूरी होते हैं,
जो कि आपकी वेबसाइट को रैंक करने में हेल्प करते हैं, ये भी फैक्टर्स, तो इसको भी आपने ध्यान रखिएगा। इसको पब्लिश करके सेव कर देंगे। नाउ अपने डैशबोर्ड में हम लॉगिन हो जाएंगे वापस, और यह आप देख सकते हैं कि हम मेन्यूज़ पे क्लिक करेंगे तो हम अपने हिसाब से कोई नया मेन्यू ऐड अगर करना चाहते हैं तो वो हम आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे यहाँ कोई पेज आप ऐड करना चाहते हैं तो वो आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे ऐड करना होता है, बस बहुत ही आसान है। अब यहाँ कस्टमाइज सेक्शन में आप देख सकते हैं कलर्स, अगर आपको थीम की कलर्स चेंज करना है, साइट आइडेंटिटी चेंज करना है, या जो टेक्स्ट है वो चेंज करना है हेडर के, तो वो भी आप चेंज कर सकते हो, कलर्स में है या टाइपोग्राफी में है। अब होम पेज सेटिंग, जैसे आपको कोई प्रिफर होम पेज दिखाना तो वो आप कर सकते हैं, जो लेटेस्ट पोस्ट दिखाना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो होम पेज सेटिंग में जाके। तो हम लेटेस्ट पोस्ट सेलेक्ट करेंगे, और मेन्यूज़ तो आपको मैंने बताया है कि मेन्यूज़ आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं क्या है। टाइपोग्राफी में कोई आपके फॉन्ट, आप किस तरह की डिज़ाइन रखना चाहते हो या किस तरह की साइज़ रखना चाहते हो अक्षरों की, तो वो भी आप इसमें सेट कर सकते हो। और एडिशनल सीएसएस में आपको सीएसएस ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर आप ये होस्टिंग परचेस करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। डोमेन रेसर बहुत ही अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवा रही है दोस्तों होस्टिंग इंडस्ट्री के अंदर, तो मैं आपको एक बार रिकमेंड करता हूँ कि आप इनके प्लेन्स को एक बार ज़रूर चेक कीजिए और इनकी सर्विसेज़ को एक बार आप यूज़ में ज़रूर लेके देखिए, क्योंकि जो ये सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं बहुत ही अफोर्डेबल रेट में बहुत ही अच्छी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। और साथ साथ ये सर्विसेज मैंने भी पर्सनली यूज़ में की हुई है, इसीलिए मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ, जो आप चेक कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।